ओ बिल्कुल, ये याद रखूंगा कि जो जितने भी लोग मुझे गलती देख रहे हैं ना, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस्ताद बन रहा था, आप भी उस्ताद बन गए। नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से की। मेरे जो लोग हैं ना, ये खुश होने चाहिए। छुपकी छुपकी सॉरी चुप उस्ताद, कोई गलत हो गया, सॉरी माफ करने करो। हमको किसी के गम में मारा ये कहानी फिर से ही। दिल के लुटने का सबक पूछो ना सबके सामने। दिल के लुटने का सबक पूछो सबके सामने। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में, और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिस्सी, आपकी खिदमत में हाजिर। हर किसी का शौक अपना अपना होता है, तो वहीं मेरे साथ अबू सईद मौजूद हैं, और ये जो है गाने की दुनिया में शौक रखते हैं और गाने की दुनिया में जो है आगे बुलंदी की ओर जाना चाहते हैं। अबू सईद से सीधा बातचीत करते हैं और गाने भी आपको आज जो है सुनवाएंगे, क्योंकि कभी कभी खबरें ही खाली सुनाने से जो है हर कोई बोर हो जाता है। चलिए हम इन्हीं से कुछ गाने भी सुनते हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं। सबसे पहले अबू सईद आपका स्वागत है जेके दास्तान जी। अबू सईद आप गाना गाते हो, गाना ही से शुरू हो जाए, कौन सा गाना हमें सुनाएंगे पहले? कोई भी जो मर्जी, बस मेरा जो मेरे जो लोग हैं ना, ये खुश होने चाहिए। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं। हमको किसी के गम ने मारा हो जाए, हमको किसी के गम ने मारा ये कहानी फिर से ही। दिल के लुटने का सबक पूछो ना सबके सामने। दिल के लुटने का सबक पूछो सबके सामने। चलिए, ये थे कुछ पहले शुरुआती दौर में जो है हम आपसे गाना सुनने जा रहे सुनाने जा रहे जो है सुनाया हमने आपको। अब जो अबू सईद से पूछेंगे कि क्या शुरुआत कहाँ से आपने इस लाइन यानी इस मुआशरे की कहाँ से की? गलत होता ना वो, कोई इंसान उसको ट्रेन करता है, कोई इंसान सीखता है, लेकिन मुझे गॉड गिफ्टेड था। मुझे बचपन से गाता था, सुना गाने गाता था, लेकिन असल में जब मेरा जब इंसान को मैच्योरिटी आती है, बस उसके बाद पता चलता है कहाँ जाना है, उसके बाद हो जाता है। कोई डॉक्टर के डॉक्टर को चाहता है, कोई इंजीनियर ऐसे सेक्टर, तो मैं गाता था पहले से, तो इसलिए मेरा जो है ना वो इंटरेस्ट चल गया इसी चीज़। उसके बाद अच्छे से मैंने इस चीज़ को सुना, मैंने हर एक सिंगर को सुना, फिर मैंने उस्ताद के लिए वहाँ से वो जो चीज़ें हैं, जो हरकतें हैं, उनकी जो लाइनें हैं, उनसे इंस्पायर हुआ, और उसके बाद उन्हीं के खिलाफ गाना। अभी सईद हमें बताइए, कितने जो ऑडियंस हैं उनके सामने गाया है, कहाँ कहाँ पर गाया है, क्या कुछ अवार्ड मिले हैं, कितने आपको जो है अचीवमेंट इसमें हुई? मैं ज़्यादा मैंने प्रोग्राम किए, मैंने मतलब जैसे करते हैं स्टेज प्रोग्राम,
वहाँ पर मैंने पार्टी और भी मतलब ऐसे ही कोई करता है आया नहीं कराया था वहाँ पर मैंने पार्टी किया था ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकिन ज़्यादा बड़े प्रोग्राम मैंने नहीं कराए मैं वो नहीं सुनाऊंगा लोगों को जो ऑलरेडी मेरे पास है वो सुनाऊंगा जो मैं चाहता हूँ लोगों के कानों तक वो फिर से जाए जो उनसे आया गया कहाँ तक यानी कि आपने इसमें कितने जो है आपने इसमें टेस्ट दिए ताकि मैं भी कहीं किस तरह बाकी लोग इन आइडिया मिल जाते हैं क्या वहाँ तक जाने की कोशिश है मैं सीखूँ मेरे पास जितना होगा और जितना मेरे को सीखने को मिलेगा उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है और उसके बाद फिर कहीं स्टेज प्रोग्राम या कोई ऐसा कोई मंच नहीं ढूंढना पड़ेगा जब आपके पास इतना सारा होगा तो एक्टिविटी मिल जाता है ये है मैंने सोचा हुआ है कि मैं सीखूँगा पहले जितना मेरे को बनेगा जितनी मैं मेहनत कर पाऊँगा क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ मैं बिल्कुल तो किसको जिस तरह हर कोई जो है कभी किसी भी फील्ड में जाना हो तो वहाँ पर उस्तादा किसी को उस्ताद मानना पड़ता है आपने भी इस लाइन में जब आए तो किसी को उस्ताद माना किसी से सीखा क्लासेस में मेरे दोस्त होगा मैं उसको सुनाऊंगा और वो फिर मुझे बोलेगा कि मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूं मेरे टीचर जो स्कूल में रहे उन्होंने कभी मेरे को सुना उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ यहाँ पे ठीक करना है कभी कभी बाहर सुना ऐसे ही मैंने सीखा नहीं सीखा मैंने भी क्लास हाँ आज लेता हूँ क्लास मुझे लगता है कि ज़रूरी है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए कि सिंगिंग की दुनिया में जो है आने के लिए क्या मैसेज देना सिंगिंग की दुनिया में आने के लिए एक ही चीज़ है एक तो होना चाहिए इंसान डेडिकेटेड होना चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे खुद को रिप्रेजेंट करना है ये नहीं होना चाहिए कि मुझे जाना है और मुझे पैसे कमाना है मुझे जाके पैसे छापने हैं ऐसा नहीं होना चाहिए सिंगिंग अगर देखा जाए सिंगिंग के वर्ल्ड में जो है ना म्यूज़िक के वर्ल्ड में सिंगिंग को इबादत कहते हैं साफ तरीके से ये मतलब कि कोई इंसान अगर कोई चीज़ नहीं करता है वो साइड पर रखे हुए हैं बिल्कुल साफ रहना है सिंगिंग के लिए फिर जाके वो कुछ सुना सकता है फिर जाके वो कुछ सुना सकता है फिर जाके वो अगले इंसान को फील दिला सकता है क्योंकि म्यूजिक भी तो जाते जाते हम फिर से जो है इनको गज़ल का रुख करेंगे उसके बाद जो है हम इजाज़त चाहेंगे तो लास्ट पर कोई गज़ल कवाली नात गाना जो नहीं आया मेरे दिल पर माही झूठा तेरे बोल झूठी ताड़ी जे खबर दे दे Okay.
ये याद रखूंगा जो जितने भी लोग मुझे गलती देख रहे हैं ना, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस्ताद बन रहा था, आप ही उस्ताद बन गए। चले कोई और सवाल। अच्छा वो कश्मीरी वगैरह और कौन सा गाना जो आपको याद है? कभी जो फुर्सत नहीं मिली उस्ताद से मैं तो गाना भी नहीं गाता हूँ अच्छी तरह, गाने की स्पेलिंग भी नहीं मुझे आती, मैं गाना गाता हूँ। आप सिंगर हो के आप तक नहीं गाना गाता हूँ, फिर तो मुझे आपको उस्ताद बनना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए हो जाए कोई और नाच भी हो जाए, क्योंकि लाश पर जाते जाते नेकी की ओर जाएंगे। बेबंदगी उरूज किया बंदा कर दिया, बेबंदगी उरूज किया बंदा कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया, इतनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजी, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया, करम का करूं शुक्र कैसे अदा, करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं कैसे आना जो वैसे याद नहीं रहता। चलिए उम्मीद करेंगे कि अबू सईद जो है किसी मुकाम पर पहुंचे, और मैंने भी अबू सईद के साथ साथ आज गाने की थोड़ी प्रैक्टिस की, कि क्या पता मेरा गला भी निकलता है, मुझे आता है कि नहीं आता है, आता है थोड़ा थोड़ा, किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता। एक्चुअली मैंने रात की प्रैक्टिस की थी इसीलिए गा रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अबू सईद के साथ, दीजिए इजाज़त बिलाल ब्लेसी को, और देखते रहिए जेके दास्तान।